वेलकम बैक टू वन चांस वुमन। आई होप गाइस आपके बहुत सारे प्रिपरेशन चल रहे होंगे नवरात्रि को लेके, तो उसी प्रिपरेशन में मैं आपके हेल्प के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। एंड गाइस इसमें हम बहुत ही अमेजिंग शू देखने वाले हैं, वो भी बजट में। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। एंड जितने भी प्रोडक्ट है मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया और हमारा जो फर्स्ट वाला जूता है ना वो पावर ब्रांड की तरफ से। जितने भी जूते हम देखने वाले सारे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड से आते हैं। यहाँ पे अगर इसके एमआरपी देख ले तो 1499 गाइस इसकी एमआरपी लिखी गई है। बट आपको बता दूं कि इतना आपको डेफिनेटली पे नहीं करना है, फटाफट पहले से बाहर निकाल लेते हैं। एंड क्योंकि ये एक ब्लैक शू वाला हॉल है तो ऑब्वियसली शू का जो कलर है वो ब्लैक ही होगा, बट साथ में इसमें आपको एक बेबी पिंक कलर भी मिल जाता है जो कि इसमें बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन ऐड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बॉडी के बारे में बात कर लेना तो ओवरऑल जो जूता है वो आपको प्योर लेदर का मिलता है, जिसमें कि फ्रंट साइड में आप देख सकते हो बहुत सारे होल्स बनाए गए आपके वेंटिलेशन के लिए। पूरे जूते के ऊपर पैचिंग के थ्रू डिजाइनिंग की गई है और जूते के आउटर साइड में आपको पावर की लोगो मिल जाएगी जिसे कि पिंक कलर से रखा गया है। इसका जो टंग है वो भी आपको ब्लैक कलर का मिलता है। इसके ऊपर में सेम आपको वही लोगो मिल जाती है पावर की तरफ से। टंग में आपको थोड़ी बहुत कुशनिंग भी मिल जाती है और इसी के ऊपर में एक ब्लैक कलर का पैच अटैच किया गया है आपके लेस को होल्ड करने के लिए। कॉलर कट वगैरह भी जूते की अच्छी है और इनर साइड जो इसका है वो आपको पिंक कलर का मिलता है। इसके कॉलर में बहुत ही अच्छी आपको पैडिंग वगैरह मिल जाती है। बैक साइड में आपको एक ब्लैक कलर का पुल टैप भी मिलता है। अंदर की तरफ में आपको ब्लैक कलर से पावर की ब्रांडिंग मिलती है। कुशनिंग वगैरह अगर इसकी देख ले इसमें भी आपको अच्छी खासी कुशनिंग मिल जाती है ओवरऑल इनर सोल में। इसका जो आउटर सोल है वो आपको व्हाइट कलर का मिलता है और ये थोड़ा चंकी डिजाइन में आता है, उतना ज्यादा आपको हाइट नहीं मिलता। बट इसका जो पैटर्न है उसमें अलग अलग कट यूज किए गए हैं। आउटर साइड में आपको ऊपर और नीचे की तरफ हार्ड रबर ग्रिप मिल जाते हैं। एंड गाइस यूजुअली हमारे जूते यहीं से ही घिसते हैं और यहाँ पे हार्ड रबर ग्रिप देना बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। एंड नीचे की तरफ में यहाँ पे आपको पावर भी लिखा हुआ मिल जाता है। फ्रंट साइड में अगर आप देखो ना तो इसका जो टो वाला पार्ट है वहां पे भी पावर की ब्रांडिंग की गई है और जूते के साइड्स में थोड़ी शाइनी पैचेस भी यूज की गई है जिसके ऊपर में आपको सर्कल सर्कल देखने को मिलेगा। ये पैटर्न ऐसा लगता है जैसे कि स्नेक वाले स्किन होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। और क्योंकि इसका जो ओवरऑल पार्ट है वो मैट है और ये शाइनी वाला पार्ट इसके ऊपर में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सोल का जो बैक साइड है वहां पे भी आपको पावर की ब्रांडिंग मिल जाती है। ओवरऑल जूता बहुत ही अच्छा है। एंड सबसे अच्छी बात कि ये काफी ज्यादा लाइट वेट है तो आप इसे बहुत ही देर तक यूज कर सकते हो। आप जैसे भी चाहो इसे डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो, अपने रनिंग के दौरान या फिर अपने वॉकिंग के दौरान जींस के भी साथ स्टाइल कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा एंड काफी कंफर्टेबल सा ऑप्शन है। एंड गाइस पावर ब्रांड का है तो आप सबको पता ही है कि क्वालिटी आपको बहुत ही अमेजिंग मिल रही है, तो आप इस जूते के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कब से है ये? जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो कैंपस ब्रांड की तरफ से है। ब्रांड बॉक्स मिल जाती है 1299 इसकी एमआरपी लिखी गई है। एंड ये वाला जो जूता है वो ब्लैक और साथ ही साथ पीच कलर के कॉम्बिनेशन में आता है। एंड गाइस इसका जो कलर कॉम्बिनेशन यूज हुआ है ना बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ओवरऑल जो शू का बॉडी है वो आपको मेश मटेरियल का मिलता है जिसमें आपको अच्छे खासे होल्स मिल जाते हैं वेंटिलेशन के लिए। जूते का जो लेस है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ब्लैक कलर का लेस है बट इसमें सिल्वर कलर के थोड़े थोड़े शाइनी पार्ट यूज किए गए हैं। एंड क्योंकि ये जो पूरा जूता है वो बहुत ही सिंपल सा है, इसका लेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेस होल्स में आपको मेटल रिंग्स मिल जाते हैं ब्लैक कलर के और इसी लेस होल्स में दोनों तरफ लेदर पैचिंग की गई है जिसके ऊपर कैंपस की ब्रांडिंग की गई है और लिखा हुआ है फ्लाईटेक एंजल विंग्स 21st सेंचुरी। मतलब ये विंग्स के तरह डिजाइन किया गया आप देख सकते हो क्योंकि ये दोनों साइड में अटैच्ड है। शू के दोनों साइड में आपको मैट टेक्सचर में लेदर पैचेस अटैच्ड मिलते हैं और ये वाला जो इसका विंग्स है उसी के नीचे में आपको बहुत चौड़ी सी एक इलास्टिक अटैच मिलती है, जिस वजह से अगर आपका पैर ज्यादा चौड़ा भी हो तो ये अच्छे से स्ट्रेच हो पाए। इसका जो टंग है वो अगेन ब्लैक कलर का ही रखा गया है और इसमें भी एक पैच लगाया गया है शू लेस को होल्ड करने के लिए। ऊपर में आपको कैंपस की लोगो मिल जाती है जिसे कि पैच के थ्रू अटैच किया गया है। इसके टंग में भी आपको डिसेंट सी कुशनिंग मिलती है। बैक साइड में इसके कैंपस की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और सबसे अच्छी बात कि इसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। इसमें भी कॉलर कट आपको अच्छी मिलती है, बैक साइड में कोई पुलटा वगैरह नहीं मिलते हैं, एक लेदर पैच अटैच किया गया है। अंदर का जो पूरा साइड है वो आपको पीच कलर का मिलता है और कॉलर वगैरह में अच्छी खासी पैडिंग भी मिल जाती है आपको। और अगर कुशनिंग के बारे में बात करें ना गाइस तो इसमें बहुत ही अमेजिंग से आपको कुशनिंग मिल रही है ओवरऑल जूते में और अंदर में आपको कैंपस की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। एंड इसका जो सोल है उसे कैंपस मेमोरी टेक लाइट बुलाती है। एंड गाइस इसकी कुशनिंग सच में बहुत ही अच्छी है और इसका जो आउटर सोल है वो आपको ग्रे कलर का मिलता है जिसमें कि डिफरेंट कट यूज किया गया है और सोल के आउटर साइड में लिखा गया है योगा फ्लेक्स, यानी कि ये वाला जूता बहुत ही अच्छे से फ्लेक्स करता है चाहे आप योगा करो या फिर रनिंग करो। आउटर साइड में आपको कोई हार्ड रबर ग्रिप वगैरह नहीं मिलते हैं और यहीं पे आपको कैंपस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो इसका आउटर सोल है उसमें आपको कट्स के थ्रू ग्रूव्स मिल जाते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे ग्रिपिंग में। एंड अगर ओवर
ओवरऑल जूते के लुक के बारे में बात करें ना, बहुत ही अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है। एंड क्योंकि ब्लैक है तो आप सबको पता ही है कि कितना ज्यादा वर्सेटाइल हो जाता है, और कैंपस ब्रांड है तो आपको टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। बजट में आपको बहुत ही अमेजिंग सा जूता मिल रहा है, तो अगर आप इसे एक ट्राई देना चाहो ना तो डेफिनेटली दे सकते हो, बड़ा ही अच्छा जूता है। एंड हमारा जो नेक्स्ट जूता है वो एशियन ब्रांड की तरफ से है। प्राइसिंग यहाँ पे अगर इसकी देख ले तो 499, ऑलरेडी कम इसकी प्राइसिंग है, बट आपको इससे भी कम पे करना होगा। पूरा ब्लैक कलर का जूता है और इसका जो ओवरऑल बॉडी है वो आपको कैनवस मटेरियल का मिल जाता है। लेस होल्स में आपको मेटल रिंग्स मिल जाते हैं, और इसका टंग अगर देख ले तो इसमें आपको ब्रांडिंग मिल जाती है एशियन की तरफ से, जो कि लेदर पैच के थ्रू की गई है। टंग में आपको बहुत ही डिसेंट सी पैडिंग वगैरह मिलती है, उतना ज्यादा डिटेलिंग के साथ नहीं आता है ये जूता, एकदम सिंपल प्लेन रखा गया है। और इसका जो इनर सोल है वो व्हाइट कलर का है, और जूते का जो कॉलर वाला साइड है उसके पीछे तरफ में आपको थोड़ी हल्की बहुत पैडिंग मिल जाती है। अंदर की तरफ में यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी मिल जाती है एशियन की, कुशनिंग वगैरह भी डिसेंट सी मिलती है। देखो जिस प्राइस रेंज में आपको ये जूता मिल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी आपको क्वालिटी मिल रही है। इसका जो आउटर सोल है उसे व्हाइट कलर का रखा गया है, जिसमें अलग अलग पैटर्न से ग्रुप डिजाइन किए गए हैं। ओवरऑल देखो, अगर आप डेली यूज के लिए कोई भी जूता ढूंढ रहे हो, या फिर आप उतना ज्यादा अभी जूते में स्पेंड नहीं करना चाहते बट फिर भी आप एक ब्लैक जूता ढूंढ रहे हो, तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल डील में आपको ये मिल जाएगा, 300 के आसपास का है। उसके अकॉर्डिंग इसकी जो क्वालिटी है वो आपको अच्छी मिल रही है, वरना मैं रिकमेंड करूंगी कि थोड़ा 100-200 और लगा लो और अच्छी क्वालिटी का जूता ले लो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा और ज्यादा दिन तक चलेगा। एंड हमारा जो नेक्स्ट जूता है वो रॉबी जोन्स ब्रांड की तरफ से है। यहाँ पे अगर इसकी एमआरपी देख ले तो बॉक्स पे कोई भी एमआरपी वगैरह नहीं लिखी गई है, बट अगर पहले से बाहर निकाल लेते हैं, एंड ऑब्वियसली ब्लैक कलर का जूता है जिसमें व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन यूज किए गए हैं। ओवरऑल जो इसका बॉडी है वो आपको कैनवस मटेरियल का मिलता है, एंड इसका जो फ्रंट साइड है वहां पे आपको व्हाइट कलर के प्यू लेदर अटैच्ड मिलता है। एंड ये वाला जो जूता का लुक है वो बहुत ही आइकॉनिक कॉनवर्स के जूते से एकदम इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इसका जो लेस है वो आपको व्हाइट कलर के मिलते हैं, एंड इसके जो लेस होल्स है वहां पे मेटल रिंग्स अटैच किए गए हैं सिल्वर कलर के। इनर साइड में आपको यहाँ पे दो आईलेट्स मिल जाते हैं वेंटिलेशन के लिए। इसका जो टंग है वो ब्लैक कलर का रखा गया है, जिसमें की ब्रांडिंग की गई है रॉबी जोन्स की तरफ से। टंग में कोई पैडिंग वगैरह नहीं है, एकदम डिसेंट सी इसमें पैडिंग की गई है। कॉलर कट वगैरह भी ठीक है, देखो एक स्नीकर है। और अंदर की अगर पैडिंग के बारे में बात करें, अंदर में भी आपको डिसेंट सी पैडिंग वगैरह भी मिल जाती है, और अंदर की तरफ में फिर से ब्रांडिंग की गई है रॉबी जोन्स की तरफ से। आउटर सोल इसका व्हाइट कलर का रखा गया है, क्योंकि स्नीकर है तो ऑब्वियसली आपको फ्लैट मिलेगा, जिसमें की ब्लैक कलर से डिजाइनिंग की गई है। बैक साइड में इसके लिखा गया है स्टार, और आउटर साइड जो इसका एकदम हुबहू कॉन्वर्स के जूते की तरह डिजाइन किया गया है। पूरे जूते में व्हाइट कलर से स्टिचिंग के थ्रू डिजाइनिंग की गई है, थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड करने के लिए। ओवरऑल अगर लुक के बारे में बात करें तो ये वाला जूता स्टाइलिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और आप ऐसे भी आउटिंग के लिए पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। जींस वगैरह के साथ काफी अच्छा लगता है, तो अगर आप इसे भी ट्राई करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत ही बजट में आपको ये वाला भी जूता मिल जाएगा। एंड हमारा जो नेक्स्ट जूता है वो बाटा ब्रांड की तरफ से है। एमआरपी इसकी यहाँ पे लिखी गई है 899, एंड आपको इससे भी कम पे करना होगा, फटाफट पहले से बाहर निकाल लेते हैं। ओवरऑल ये वाला भी जो जूता है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में मिलता है। इसका जो ओवरऑल बॉडी है वो आपको पॉलीयूरीथेन मटेरियल से बना हुआ मिलता है, मैंने ऐसा साइड पे चेक किया था। सिंपल सा स्लिप ऑन वाला जूता है, और इसका जो टंग वाला पार्ट है वहाँ पे आपको बहुत ही चौड़ी सी इलास्टिक मिल जाती है, जिसे कि जब आप पहनोगे तो ये इजिली स्ट्रेच हो पाए। बैक साइड में आपको एक पुलटा मिल जाता है, जो कि ब्लैक और सिल्वर कलर से डिजाइंड है। इनर साइड इसका आपको रेड कलर का मिलता है, जिसमें की ब्रांडिंग की गई है बाटा, और लिखा गया है बेटर कुशन बेटर कंफर्ट। कुशनिंग वगैरह भी इसकी ठीक ठाक है। इसका जो आउटर सोल है उसे व्हाइट कलर का रखा गया है, जिसमें अगेन डिजाइनिंग की गई है कट्स के थ्रू। बैक साइड में यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी मिल जाती है बाटा की तरफ से, एंड पता नहीं, एंड क्योंकि स्लिप ऑन है, सिंपल सा जूता है, इसमें और कुछ भी उतना ज्यादा बोलने लायक नहीं है। बट जूता क्योंकि बाटा ब्रांड की तरफ से आता है, बहुत ही लॉन्ग टर्म से बाटा ब्रांड को सब जानते हैं, बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है हमारे मार्केट में, एंड इसकी भी क्वालिटी आपको बड़ी ही अमेजिंग मिल रही है, और इसे भी आप बहुत ही डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हो। इसका जो आउटर सोल है वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, एंड ब्लैक कलर का स्लिप ऑन जूता है तो काफी ज्यादा वर्सेटाइल हो जाता है, तो आप इसके लिए भी एक ट्राई दे सकते हो। बाटा ब्रांड की तरफ से है तो आपको पता ही है कि क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग मिल रही है, और ये वाला जो जूता है वो आपको 700 के आसपास में मिल जाएगा। एंड आई होप गाइस आपको ये ब्लैक शू के कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग लगे होंगे, आप किसी भी जूते के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। ब्लैक शू आप सबको पता ही है कि वर्सेटाइल होता है, क्वालिटी आपको सारे में बहुत ही अमेजिंग मिल रही है, और सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अगर ऐसे ही और भी हॉल्स चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो जरूर लाऊंगी। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।